राजधानी शिमला की सड़कों पर मंगलवार को निजी बसें फिर से दौड़ती नजर आई। हालांकि सोमवार को शिमला बस ऑपरेटर यूनियन ने हड़ताल में शामिल होकर बस सेवा उपलब्ध नहीं करवाई, लेकिन देर शाम हुई बैठक के बाद शिमला लोकल बस ऑपरेटर यूनियन ने हड़ताल खत्म कर सेवा शुरू कर दी। शिमला शहर में लगभग 110 निजी बसें हैं जो एक दिन में 600 के करीब ट्रिप लगाते हैं। इन बसों के न चलने से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर हड़ताल खत्म होने के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से टेक चंद वर्मा की रिपोर्ट।